और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, हाउसिंग बोर्ड ने दर्जन भर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। नौकरी जाने से सड़कों पर आ गए हैं प्लेसमेंट कर्मचारी। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ये कर्मचारी कार्यरत थे। नाराज कर्मचारियों ने बहाली के लिए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में हाउसिंग बोर्ड के निर्णय को गलत बताया गया है। सीएम भूपेश से जल्द बहाली की मांग भी की गई है। तो रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड ने दर्जन भर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। नौकरी जाने से प्लेसमेंट कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ये कर्मचारी कार्यरत थे। नाराज कर्मचारियों ने अब बहाली के लिए सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिख दिया है और पत्र में हाउसिंग बोर्ड के निर्णय को गलत बताया गया है। सीएम भूपेश बघेल से जल्द बहाली की मांग भी की जा रही है। तो दर्जन भर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और नौकरी जाने से प्लेसमेंट कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने कर्मचारियों के खिलाफ ये जो निर्णय लिया है, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ये कर्मचारी कार्यरत थे। वहीं अब नाराज कर्मचारियों ने सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाते हुए उन्हें पत्र लिखा है और पत्र में हाउसिंग बोर्ड के निर्णय को गलत बताया है कर्मचारियों ने और सीएम भूपेश से जल्द बहाली की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। जी स्वप्निल, नाराज कर्मचारियों ने अब बहाली के लिए सीएम भूपेश को पत्र लिखा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कर्मचारियों की सेवाएं जो है वो समाप्त क्यों की गई हैं? आज देखिए, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में करीबन 10 से ज्यादा जो कर्मचारी है उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त की गई है और इसके पीछे हाउसिंग बोर्ड ने दलील दी है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उनकी जो आहर्ताएं हैं वो जो है सही नहीं है, जिसकी वजह से ऑडिट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इस वजह से जो है कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है। ये जो कर्मचारी जो नियुक्त हुए थे करीबन 3 साल पहले, इनको अलग अलग सेक्टरों में इनकी नियुक्ति की गई थी और अब जो है उनके नियुक्ति जो है वो समाप्त करने का फैसला हाउसिंग बोर्ड ने लिया है। सभी जो कर्मचारी है वो उनकी नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई थी, तो अब जो कर्मचारी हैं उनके सामने कहीं ना कहीं रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है और अब कर्मचारियों ने जो है जो सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर बहाली की मांग की और कर्मचारियों ने कहा है कि जो गलत तरीके से सभी की जो है नौकरी जो है समाप्त की गई है और इससे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, इस वजह से उनकी जो बहाली है वो यथाशीघ्र की जाए। अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि नाराज कर्मचारियों की बहाली के लिए जो सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा गया है उसमें क्या कुछ आगे कार्यवाही की जाती है।